हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल ई एंड आई इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरटीडी का पीएलसी में वायरिंग कैसे करते हैं। इनफैक्ट मैं बताऊंगा जो आरटीडी मॉड्यूल्स होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, उस मॉड्यूल को हम कनेक्शंस जो पीएलसी में है वायरिंग किस तरह से करते हैं, इंटरनली जो वायरिंग है उसको किस तरह से करते हैं, टू वायर में कैसे हम किसी भी आरटीडी का जो है उसको कनेक्शंस को चेंज कैसे करते हैं, थ्री वायर में कैसे करते हैं एंड फोर वायर में कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको आज के वीडियो में क्लियर करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी अपने पीएलसी के सिस्टम कैबिनेट में हूं, जहां पे हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल लगे हुए हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा आरटीडी मॉड्यूल, सेपरेट आरटीडी मॉड्यूल लगे हुए हैं यहां पे, इसको मैं कंसीडर करके इसका जो कनेक्शन है जो भी है किस तरह से करते हैं ये सब मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो मोस्टली देखा होगा कि जो भी आरटीडी होते हैं वो एक सिंगल मॉड्यूल में होते हैं, जहां पे हम जिस मॉड्यूल से प्रेशर ट्रांसमीटर को लेते हैं वहीं पे हम आरटीडी का भी लेते हैं, क्योंकि जो एनालॉग इनपुट सिग्नल्स होते हैं 4 to 20 milliamps, उस वाले में हम सपोज एक प्रेशर ट्रांसमीटर को भी कनेक्ट करते हैं, उसी में हम थर्मोकपल को भी कनेक्ट करते हैं, उसमें ही हम आरटीडी को भी कनेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे हमने सेपरेट मॉड्यूल ले रखा है दोस्तों। तो क्या कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो यहाँ पे हमने सेपरेट आरटीडी मॉड्यूल लेकर यूज करा है, ना कि हम एनालॉग इनपुट मॉड्यूल वाले में ही आरटीडी को कनेक्शन कर रखे हैं। तो इसका कमेंट करके आप मुझे जवाब दें। नेक्स्ट है हमारा कनेक्शंस। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टोटल हमारा है आरटीडी मॉड्यूल 4 है, आपका किसी एक को मैं कंसीडर करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा सीमेंस मेक का मॉड्यूल है और जिसका रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पर AI8/RTD है। तो चलिए हम थर्ड नंबर मॉड्यूल को ओपन करते हैं और इसके कनेक्शंस के बारे में दिखाते हैं। तो ये हमारा मॉड्यूल है, मॉड्यूल में आप देख सकते हैं नीचे से आपको दिखेगा मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल में आगे की ओर जो देख रहे हैं हमारा है फ्रंट कनेक्टर। ये बेसिकली एक मीडियम है दोस्तों, जो हमारा केबल को अंदर वाले जो मॉड्यूल के पिंस होते हैं उससे कनेक्ट करता है, क्योंकि आप केबल को डायरेक्टली पिंस में टर्मिनेट तो नहीं कर सकते हैं। इसके वजह से क्या है, इस मॉड्यूल को दिया है, मॉड्यूल जो है आपका स्क्रू बेस्ड है, इसमें क्या है कि आप इस केबल को टर्मिनेट कर देंगे और इंटरनली जो फ्रंट कनेक्टर है वो हमारा मॉड्यूल के पिन से कनेक्ट हो जाता है, जिससे आपको कनेक्शन प्रोवाइड करता है और आपका जो वर्क है, जो भी रिस्पेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमारा वर्क करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो मॉड्यूल है ये हमारा टोटल नंबर ऑफ पिंस की बात करें, इसमें होता है हमारा दोस्तों 40 पिंस। आप यहाँ भी देख सकते हैं हमारे कुछ यहाँ पे चैनल दिए हुए 8 टोटल। AI8 का मतलब ये दोस्तों कि 8 चैनल है ये हमारा। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ 40 पिंस होते हैं उसमें हमारा सपोज पहला नंबर और 20 नंबर पिंस जो है, इसमें ऊपर दिखा होगा आपको 1 नंबर और यहाँ 21 नंबर है, मतलब नीचे में हमारे यहाँ पे 20 नंबर है और यहाँ पे है 40 नंबर। तो 1 नंबर और 20 नंबर जो है हमारा एक पावर सप्लाई दिया, मतलब एक प्लस और एक माइनस, क्योंकि इस मॉड्यूल को भी किस वर्क करने के लिए एक 24 वोल्ट सप्लाई हमें चाहिए। नेक्स्ट एक आता है 21 नंबर और लास्ट में हो गया 40 नंबर, जो भी हमारा पावर सप्लाई का है, क्योंकि इसमें दो हम देते हैं, क्योंकि दो चार चैनल के लिए एक है और चार चैनल के लिए हमारा एक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया अंदर के पिंस का पावर सप्लाई का कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं पिंस की। तो इसमें ऑलरेडी पिंस का मार्किंग भी किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं 2 नंबर में कोई कनेक्शंस नहीं हुआ है हमारा, 3 नंबर से स्टार्ट हुआ है। तो कुछ पिंस ऐसे भी है जिसका कोई एड्रेस नहीं है, कोई भी ड्राइंग में उसका डिटेल नहीं दिया गया है, जो 4 ऐसे पिंस होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो पिंस है हमारा जिसका कनेक्शंस करते हैं उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है 3 वायर दिख रहा होगा, 4 वायर में कन्वर्ट किया हुआ, 3 वायर 4 वायर, नीचे भी जो हमारा 4 चैनल है 3 वायर 4 वायर और 4 वायर 3 वायर में कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पे आपको पिंस डिटेल दिए हुए हैं दोस्तों, अगर आप गौर से देखेंगे तो पिन का डिटेल आपको दिया गया है कि किस किस पिन में हमारा कनेक्ट जो किया गया वो हमारा 3 वायर है 4 वायर है, यहाँ पे 2 वायर का नहीं दिया गया, बट मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि 2 वायर में भी किस तरह से कनेक्शंस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम समझाते हैं आपको डिटेल में। तो सबसे पहले हम 4 वायर समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो पिन है यहाँ पे मेंशन किया गया है 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर और 26 नंबर, आपको क्लियरली दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 पिन हो गए। ये जो 4 पिन है हमारा, ये हो गया, देख सकते हैं आप 4 वायर भी लिखा गया, ये हमारा जो भी 4 वायर आरटीडी होगा उसका कनेक्शंस होगा, जो कि सबके सब इंडिविजुअल आकर हमारा ये यहाँ से हमारा फर्दर जो कनेक्ट होगा इस मॉड्यूल में वो जाकर हमारा टीवी में जाता है, मास्टरिंग कैबिनेट में, वहां पे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट इंड से केबल आता है उसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो पिंस का कॉन्फ़िगरेशन दिया है ये हमारा बीच में देख सकते हैं, ये हमारा जो है लोड इंड हो गया जो आरटीडी का होगा वो, और 2 केबल इस साइड में कनेक्ट है और 2 केबल इस साइड में है। तो आप बात करें कौन सा जो है हमारा पिंस का कनेक्शंस किया गया, तो 23 नंबर और 25 नंबर 2 जो है केबल हमारा इस साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड हमारा बोलेंगे,
और राइट वाले में इंड में देखेंगे तो हमारा 24 नंबर और 26 नंबर है दोस्तों। ये दोस्तों जो पॉइंट दिख रहा है ये आप इसे लूप मत समझ लीजिएगा, ये लूप नहीं है, ये हमारा दो इंडिविजुअल केबल है और इधर से भी दो इंडिविजुअल केबल है, बीच में हमारा लोड इन हो गया जो हमारा आरटीडी का होगा। तो ये हमारा फोर वायर का कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है, जो आपका आरटीडी से इंस्ट्रूमेंट का फोर वायर आएगा वो कुछ हमारा इस तरह से कनेक्शन होगा। अगर इसका नेमिंग की बात करें तो मार्सलिंग कैबिनेट में जो नेमिंग होगा वो हमारा क्या होगा, एम प्लस एम माइनस और LC प्लस और LC माइनस करके होगा सिस्टमेटिक ढंग से। नेक्स्ट हम थ्री वायर की बात कर लेते हैं। अब थ्री वायर में आप देख सकते हैं सेम हमारा पिन नंबर 3, 4, 5 और 6 दिया गया है। तो इसका भी जो हमारा पीछे की ओर कनेक्शंस होगा तो उस एम प्लस एम माइनस LC माइनस और LC प्लस करके ही होगा। तो ये थ्री वायर है। फोर वायर में चारों का चार जो इंडिविजुअल था, थ्री वायर में क्या है किसी दो केबल को लूप कर गया, तो वो जो दो केबल होगा दोस्तों लूप कौन सा होगा वो आप देख लीजिए। तो जो तीन नंबर है और पांच नंबर आप देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पे दोनों को लूप किया है, तीन नंबर और पांच नंबर, और यहाँ से एक इंडिविजुअल केबल हमारा आया है यहाँ पे, मतलब पिन जो हमारे इंटरनल कनेक्शन से दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पे देख कर बता रहा हूँ। तो ये हमारा एक आया इस लोड इन में और इधर से जो हमारा है दो केबल है, दो पिन जो दिख रहा है आपको, फोर्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर, इधर का दो हो गया और राइट वाले में एक हो गया जो तीन नंबर और पांच नंबर का लूप होकर आ रहा है। तो ये हो गया हमारा टोटल थ्री वायर, इसको बोलते हैं थ्री वायर कनेक्शंस। और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन जो पीछे होगा हमारा नेमिंग सेम उसी वे में होगा जैसा मैंने फोर वायर का बताया। नेक्स्ट अब इसको आपको दोस्तों बात कर दे कि टू वायर में किस तरह से कनेक्शंस हम करेंगे। तो सेम एज इट इज हमारा थ्री वायर को जो राइट वाला है सेम 3-5 को लूप करके जो सिंगल एक इंडिविजुअल केबल आया वो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा 4 और 6 को यहाँ पे देख सकते हैं इंडिविजुअली दो केबल है लोड में, बट क्या करेगा इस दोनों को लूप कर देगा, 4 और 6 नंबर पिन को लूप करेगा और फिर यहाँ पे देगा लोड इन में। तो क्या होगा ये हमारा टू वायर में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। जो भी दोस्तों आपको यहाँ पे जो कनेक्शंस दिख रहे हैं लूप का और ये इंटरनल हमारा मॉड्यूल में किया गया रहता है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे दिया रहता है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो थ्री वायर, फोर वायर और टू वायर का भी कनेक्शन आप समझ गए। तो ऊपर में जो दोस्तों देख रहे हैं आप चार चैनल है, 1, 2, 3, 4, मतलब टोटल जो इंस्ट्रूमेंट है आरटीडी आप चार कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे वाले में भी देखेंगे तो चार है। जो सप्लाई की बात किए थे तो एक नीचे वाले चार चैनल के लिए एक इंडिविजुअल सप्लाई था 21 नंबर और 14 नंबर पिंस में, ऊपर वाले के लिए हमारा पिंस नंबर 1 और 20 नंबर में एक सप्लाई हम लोग दिए हैं 24 वोल्ट जो इसको वर्क करता है। तो आई होप इसका जो कनेक्शन है आप समझ गए होंगे। अब हम दोस्तों इसका मार्सलिंग कैबिनेट इन में सेम जो हमारा केबल का कनेक्ट है इसको किस तरह से हमारा कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, किस तरह से नेमिंग किया गया उसको मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो नेक्स्ट जो है हमारा मार्सलिंग कैबिनेट इन है, ये देख सकते हैं हमारा मार्सलिंग कैबिनेट में जो कुछ टीवी लगे हुए हैं। तो मैंने आरटीडी मॉड्यूल की बात किया था, यहाँ पर लिखा भी है RTD03, ये हमारा आरटीडी मॉड्यूल नंबर 3 का टीवी दिया गया। ये हमारा फील्ड इन है, जो भी फील्ड से केबल आ रहा है आरटीडी का वो यहाँ पे आके कनेक्ट हुआ है, जो भी पीएलसी का एड्रेसेस है उस हिसाब से जिस इंस्ट्रूमेंट के लिए जो एड्रेस डिफाइंड किया गया उसी में आकर ये कनेक्ट किया गया। नेक्स्ट ये जो है हमारा मॉड्यूल में जो मैंने आपको बताया केबल जो कनेक्शन किया गया तो उसका कनेक्शन हमारा यहाँ पे आकर कनेक्ट हो रहा था। अब इसको हम समझते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं R03 का मतलब थर्ड नंबर मॉड्यूल, M0+, M0- और LC0-, यहाँ पे थ्री वायर है, मतलब ये थ्री वायर कनेक्शन है। पहले फोर वायर समझते दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा M0+, नीचे M0- और यहाँ पे एक और केबल रहेगा जिसका टैग होगा LC0+, नेक्स्ट फोर्थ नंबर हो जाएगा LC0-, तो ये हो गया फोर वायर सिस्टम। फोर वायर को थ्री वायर में कैसे बनाया है, यहाँ पे जो LC0+ था और यहाँ पर पहला वाला M0+ है, मतलब उस दोनों पिन को क्या किया है लूप कर दिया है जो मॉड्यूल में होकर ही आता है या आप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या उस दोनों को लूप किया है और यहाँ पे एक जो हमारा केबल दिया उसका टैग जो दिया है M0+, तो ये दो केबल को मिलाकर एक केबल दिया, नेक्स्ट जो हमारा है M0- और LC0-, तो समझ गए फोर वायर को थ्री वायर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट बात आता है कि टू वायर में इसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सेम जैसे यहाँ पे LC0+ था उसको M0+ से लूप करके M0+ टैग दिया, उसी तरह हम अगर टू वायर में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे LC0- को M0- से लूप करेंगे और एक हम कोई टैग देंगे, तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, मतलब हमारा ये हो गया टू वायर सिस्टम। तो मोस्टली दोस्तों टू वायर यूज जो है इंडस्ट्री में बहुत बहुत न के बराबर ही होता है, मोस्टली थ्री वायर होता है, फोर वायर जैसे जैसे एक्यूरेसी बढ़ता है वैसे वैसे हमारा जो है नंबर ऑफ वायर्स भी बढ़ते हैं। थ्री वायर से जैसे फोर वायर में ज़्यादा एक्यूरेसी होता है फोर वायर भी यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम मैंने जो बताया थ्री वायर बताया, मॉड्यूल इंड में भी मैंने आपको समझा दिया किस तरह से हम थ्री वायर, फोर वायर और टू वायर कनेक्शन हम मॉड्यूल इंड में चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानना आपको जरूरी है। इस इंड से भी मैंने फिर से आपको उसी चीज़ को रिपीट करा कि कैसे हम करते हैं दोस्तों। तो आई होप जो आपका कॉन्सेप्ट है आरटीडी मॉड्यूल का कैसे हम कनेक्शंस
मॉड्यूल में चेंज करते हैं वो क्लियर हो गया होगा। कैसे हम फील्ड से जो केबल आएगा यहाँ पे आप उसको टर्मिनेट करेंगे एड्रेस को देखकर। ये दोस्तों जो हमारा फील्ड से जो केबल आ रहा है उसका आप सिमेटिक ड्राइंग में देख कर ही कनेक्ट करेंगे कि कौन से आरटीडी एलिमेंट के लिए कौन सा एड्रेस को हमारा डिसाइड किया है। जो जैसे मैंने पहला बताया था पहला आरटीडी का तो ये M0 करके दिया था। जैसे दूसरा वाले में देखेंगे तो आप देख सकते हैं 1 करके दिया है। फिर तीसरा वाले का देखेंगे तो 2 करके दिया है, क्योंकि जो है यहाँ पे 0 से 7 तक काउंट होता है, क्योंकि आपको 8 चैनल बनाए थे, मतलब एक मॉड्यूल में टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होंगे आरटीडी के लगेंगे वो हमारा 8 लगेंगे, बट जो कंसीडर जो किया वो 0 से किया तो टोटल यहाँ पे देखेंगे तो आपको 7 तक जाएगा। हाँ देख भी सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 7 तक टोटल गया, मतलब टोटल 8 लगे। तो आई होप जो आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा किसी भी तरह अगर आपको डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और इसके अलावा किसी भी तरह का टेक्निकल सजेशंस आपको शेयर करना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वहाँ पे हम दूसरों टेक्निकल सजेशंस को शेयर करेंगे और डाउट को क्लियर करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।